सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए तुरंत करना होगा ये काम, वित्त मंत्रालय ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, उसके द्वारा 17 मई 2021 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एक ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया, जो कि उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कि NPS में कवर्ड है, यानी कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में नौकरी में आए हों, उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ये काम करना है, जिससे यदि वो ऐसा काम यहाँ पर कर देते हैं तो उन्हें पुराने पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। तो आदेश में आगे कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 30 अप्रैल 2021 को CCS NPS रूल्स जारी किए गए थे और उन रूल के अनुसार अब NPS में कवर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को अपना ऑप्शन देना है कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेना है या फिर नई पेंशन स्कीम का लाभ लेना है। इसके लिए तो यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है और अब इस आदेश में ये कहा गया है कि NPS में अकाउंट सरकारी कर्मचारियों को दो फॉर्म यहाँ पर फिल करने हैं। पहला फॉर्म यहाँ पर रहेगा, उन्हें अपने ऑप्शन का चुनाव करना है, यानी कि विकल्प चुनना है कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के केस में या फिर अपनी नौकरी करते हुए यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर नौकरी में रखा जाता है, तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से लेनी है या फिर नई पेंशन स्कीम के हिसाब से, ये उन्हें देना है फॉर्म वन में। और फॉर्म टू में सरकारी कर्मचारी को अपनी फैमिली की सारी डिटेल्स भर के देनी है और सरकारी कर्मचारी की गैर मौजूदगी में सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फैमिली को मिल जाएंगे। तो इसलिए NPS में कवर्ड सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ये काम करने हैं और ये आदेश केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी कर दिया गया है और आदेश दिया गया है कि तुरंत प्रभाव से सभी कर्मचारियों को जो भी नेसेसरी कंप्लायंस है, नेसेसरी काम है, वो यहाँ पर करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उठाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।